दिनो जी सर, कैसा लग रहा है? सर एक्चुअली जितनी भी चीज़ें होती है मेरी जिंदगी में, ना मुझे म्यूजिक बनाना आता था ना आता है, पता नहीं कैसी चीज़ें बन जाती है, कैसी चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ के पीछे मेरी माँ का हाथ है। मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला था कि यार बहुत गाने पे यार तू माँ का जिक्र करता है। मैंने तो एक भी गाना नहीं लिखा। तो बोला यार सब गाने में होता है। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि वो पता नहीं कहीं ना कहीं से मैं लिखा है माँ के लिए। लिखा है कुछ? जी सर मैंने गाना लिखा है, इसका नाम है डी, डी एज इन डिनो जेम्स। सुनाओगे? जी सर। चलो। मैं जो भी कर रहा हूँ एक लेडी का ख्वाब था, उसने किया सब मेरी औकात, क्या बोलूँ क्या गानों ने कहतो थी दास्ता, मैंने कुछ किया नहीं मेरी माँ की है आस्था। भटका में भटका पर मिला नहीं रास्ता, खाप टूटने की आदत महल तक कांच का, और लड़ी जहाँ से का मेरा है लाडला, जो भी हुआ पीछे माँ का ही याद था। माँ कहती है खुदा ने आंसू संभाले हैं छोटे छोटे बोतलों में, माँ कहती है तकलीफें वैसी नहीं होती वो बैठे देखे बादलों से, वो कहती है चीज़ें तो समय से मिलती और समय से कभी भी लड़ना नहीं, वो कहती थी तेरा भी समय आएगा और यूं ही दे रही हूँ मैं धरना नहीं। लौंडा हिप हॉपर है देसी है जी, किससे है मेरे विदेशी है बीट, जड़ से जुड़ा हूँ कुछ ऐसी है सीख, थोड़ा सा शाना और क्रेजी है डी, वो कहती मेरा पागल है डी, वो कहती गहरा सागर है डी, वो कहती मेरा पागल है डी, वो कहती गहरा सागर है डी। मैं उड़ रहा था पत्ते सा गुम छोटे बच्चे सा, फिर खुला ये आसमां, लहरे बहारी नाव थपेड़े खारी पर कश्ती लगा दिए पार, कुछ भी नहीं मालूम था म्यूजिक क्या जानू ना कैसे मिली मुझे रा, मिलती भी कैसी थी लिखती थी डेस्टिनी, राइटर उसकी मेरी माँ। जिसके लिए रिस्पेक्ट है, जो यहाँ आप लिखते हो इट्स लाइक वेरी गुड।